पर मुल्तान का सफर कराई है, कर आई है खास तौर पर। अभी के चैनल का नाम है बता दें रानी विलेज और मैं रानी विलेज यहाँ पर लिख भी रही हूँ। तो आप चैनल इसी चैनल पर जाकर इनको सपोर्ट करें और जाके ये भी कहें कि आप दुआ की तरफ से आए, तो प्लीज ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ। तो आप ही जो है ना अचानक से सरप्राइज देती है मुझे, जब भी आती है बताती है। खुश्क धनिया और लाल कुटकी मिर्च इसमें ले रखा है, हल्दी इसमें ले रखा है, नमक इसमें ले रखा है, हल्के जगह ये चीज़ें जो है मैंने सब मिक्स कर दी इसमें। ये सारी चीज़ें जो है अब मैंने इसमें ऐड करके मिक्स कर लेती हूँ इसको, और अच्छी तरह से जो है इसको भून लेती हूँ मैं। और साथ में मैंने प्याज जो है ब्राउन करके पहले ही निकाल लिया, अब इसको जो है मैंने कूटना है। वैसे आपके साथ मैंने काफ़ी बार जो है ना रेसिपी शेयर की हुई है, तो मैंने कहा बस थोड़ा सा जो है क्लिप बना लेते हैं और इंशाल्लाह फिर जो है ना आगे वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे। और आज की वीडियो इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी, आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है और देखना है। ये मैं कौरमा इसलिए बना रही हूँ आज के हमारे घर पर आ रहे हैं आज बहुत ही दूर से आ रहे हैं गेस्ट, तो आप सबसे भी इंशाल्लाह मिलवाऊंगी, वो भी वीडियो बनाती हैं इंशाल्लाह आप सबके साथ में शेयर करूंगी। तो बहुत ही दूर से आ रही हैं, जहलम से आ रही हैं, तो ये आप पूरी वीडियो देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है और कहाँ कैसे आई हैं। और माशाल्लाह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो मेरी खुशी में शामिल होने के लिए आ रही हैं, मेरी पेमेंट आई है तो इस वजह से वो खुश हुई हैं और जो है हमें मुबारकबाद देने के लिए आ रही हैं। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना वो हमारे लिए कर रही हैं, इतना तकल्लुफ़ करके इतनी दूर से हमारे लिए आ रही हैं। तो बस ये है कि मोहब्बत होती है कि इंसान की, इतनी मोहब्बत देते हैं आप सब मुझे और ये मोहब्बतें आप सबकी। तो अब जो है बस मैं इसको कूट लेती हूँ और जो है थोड़ा सा बस इसमें पानी ऐड करने के बाद जो है ना बस इसमें ये प्याज ऐड कर दूँगी। सालन अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल तैयार हो के देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और साथ में जो है ना एहतशाम आटा भी लेके दे के गए, वो कहीं काम से गए हुए हैं, अब्बू आए हुए हैं ना तो एहतशाम के, तो इस वजह से वो किसी काम से गए और मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ कि सालन बिल्कुल रेडी हो गया, बस अभी आटा गूंथती हूँ और जो है मैं रोटी बनाती हूँ तनूर पर जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने रोटियाँ बना ली हैं देख सकते हैं, और जो है ना आटा जो था ना बिल्कुल काला काला सा था और जो है ना काली काली सी ऐसी रोटियां बनी है। तो सालन भी बिल्कुल रेडी हो गया था, मैंने आपको दिखाया था। और अजान को लग रही है भूख, अब अजान बैठ रहे खाना खाने, तो मैंने कहा चलिए आप तो खाना खा लें और बाबा जब आएंगे तो फिर उन्हें दे देंगे, और मेहमान भी आते ही होंगे वो भी रास्ते में इंशाल्लाह, जैसे ही आते हैं तो फिर मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। तो बस मैंने खाना वगैरह जो है ना बिल्कुल तैयार कर लिया है, तो अजान जो है ना कैमरा मैन बना हुआ, पता नहीं कैसे वीडियो बना रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं तो ठीक, मैं भी ठीक हूँ। तो अजान आ जाएं आप खाना खाने, अजान को लग रही है भूख और बस मैं इंतज़ार करती थी, मैंने कहा कि एहतशाम आएंगे तो इंशाल्लाह वीडियो जो है ना कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी एहतशाम नहीं आए क्योंकि अबू के साथ गए हुए हैं काम से, तो इंशाल्लाह अबू भी आते हैं और एहतशाम भी आते हैं, फिर मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ और मेहमानों से भी। तो अजान तो ये खाना खाने बैठ के माशाल्लाह से, क्योंकि इसे लग रही है भूख। अंकल ने खाने तो आ जाए, मज़े का बना हुआ है। हाँ चले पानी दूँ। हाँ अजान को लग रही थी भूख, तो मैंने कहा चलें आप तो खाना खा लें, तो इंशाल्लाह जैसे मेहमान आते हैं तो फिर उन्हें भी जो है ना देती हूँ खाना। बिल्कुल मैंने तैयार कर लिया है आज जो है ना, मैंने ये बड़ा वाला हार्ट पार्ट जो है ना ये निकाला है, तो वो छोटा वाला तो बिल्कुल वो छोटा था इस वजह से, तो है ना इसको ये बड़े वाले हॉट पॉट को मैंने आज निकाल लिया ताकि इसमें जो है ना रोटी गर्म रहे। और इसको बिल्ली को भी रोटी देती हूँ मैं, बिल्ली भी साथ आई हुई है अजान के साथ खड़ी हुई है, तो अजान रोटी आप दे दें इसको बेटा। तो ये बर्तन वगैरह भी जो है मैं धोते रख देती हूँ, सारा सामान जो है मैं जमा करके रखती हूँ ताकि मेहमान जो आ जाए ना तो भी परेशानी ना हो। तो अभी तक एहतशाम जो है ना अभी नहीं आए, और बस ये है कि मैंने का काम जो है ना निपटा लूँ अपना, और दस्तरखान वगैरह भी मैंने धो दिए सामने, दस्तरखान धो के जो है ना मैंने दस्ती पर लटका दिए, बस इन बर्तनों को धो देती हूँ। अबू और एहतशाम तो आ गए हैं, अभी मेहमान आए नहीं हैं, तो हाथ के साथ ही जो है मुँह हाथ धो रहे हैं। कपड़े दूँ मैं आपको फ्रेश हो जाए? नहीं बस काफ़ी टाइम लगा दिया आप, काफ़ी देर से गए, मैंने बहुत मुश्किल से जो है ना वीडियो बनवाई है, अजान ने बनाई थोड़ी बहुत, बस बना ली थोड़ी बहुत बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे बहन भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अब्बू को लेकर आ चुका हूँ अभी और मेरा सारा सामान जो है ना बना लिया और सब कुछ तैयार है, खाना वगैरह बस अब मेहमानों को जी रोटी वगैरह भी बना ली मैंने, हॉट पॉट में रख दी सब कुछ। बस ये कि सारा काम जो है ना मैंने अकेले आज किया, मैंने कहा वीडियो बनाने के लिए अब क्या करें, फिर अजान ने थोड़ी बहुत बनाई है जो भी हो जाता है जी। बस ये कि अभी अब्बू से मिलवाती हूँ, अब्बू जैसे ही आते हैं फिर इंशाल्लाह। इधर अब्बू को बिठा रहे हैं इस कमरे में और जो है मेहमानों के लिए मैंने जो है ना इधर इंतज़ाम किया है, तो मेहमान इधर बैठ जाएंगे और जो है ना अब्बू जो है यहाँ बैठ जाएंगे। तो अबू भी थके हुए आते के साथ ही लेट के, अबू पानी दूँ पांडे में अबू। और अभी तक मेहमान तो आए नहीं है, मैंने कहा अबू को तो खाना दे दूँ। गुंजाइश रखी है तारे वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देखें, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कराता रखे और अपने सामान में रखे। जिनके औलाद नहीं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद दे, जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे और जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शफा अता फरमाए। जिनके वालदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। जिनके वालदैन हयात हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें, आमीन सुम आमीन। इसी ने एक दुआ के साथ अपना ब्लॉग शुरू करते हैं जी। आज का जो ब्लॉग जो है मैंने थोड़े थोड़े से जो है ना क्लिप बनाए, तो बस ये कि एहतिशाम के बगैर मैं काम करती रही और बनाती रही। तो बस ये कि अजान ने थोड़ा बहुत कैमरा उठा के रखा, बस मैंने थोड़ी बहुत आप सबके साथ शेयर की। बस अभी मेहमानों का इंतज़ार है, अभी अब्बू को खाना दे दिया है, बस अब्बू खाना खाते हैं और एहतिशाम भी और मेहमानों का इंतज़ार है। जैसे ही आते हैं इंशाल्लाह उनसे भी ज़रूर मिलवाएंगे। तो आप भी यही कह रहे होंगे कि अभी तक जो है ना मेहमान नहीं आए, काफ़ी देर से दुआ मेहमान मेहमान करी जा रही है, तो इंशाल्लाह आते हैं, आप सबसे ज़रूर मिलवाऊंगी। और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, काफ़ी दूर से आ रहे हैं, जहलम से वो आ रहे हैं मेहमान, तो बस आप सब इंतज़ार करें जैसे कि हमें इंतज़ार है उनका। अच्छा, और अब्बू खाना खा रहे हैं, अजान भी साथ, अभी अजान ने खाना खाया लेकिन अब्बू के लिए गुंजाइश रख ली है। और ये क्या एहतिशाम साफ नहीं दिख रहे क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से, तो साथ खाना खा रहे हैं। ये है कि आटा जो है ना बहुत काला है, ये कैमरे में तो सही लग रहा है लेकिन जो है ना आटा काला है, बिल्कुल काली काली सी रोटियां बनी है बहुत, वो भी मुश्किल से, बड़ी नहीं रही थी रोटी ना, बहुत मुश्किल से बनाई है। आटा बस गलती से सही नहीं निकला, हो जाता ना कभी कभी, कोई लाट सही निकलती है कोई नहीं निकलती सही। हाँ जी, ये तो है, गवर्नमेंट का आटा है ना जी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेहमान आ गए जिनका इंतज़ार तो मैं काफ़ी देर से कही जा रही थी, तो माशाल्लाह से घर पहुंच गए। तो बस मैंने उन्हें रोका और मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ, पहले जो है ना वीडियो बना लेते हैं फिर इंशाल्लाह। वैसे मिल चुके हैं लेकिन दोबारा से हम मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जो मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए, अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी कोई गम ना आए, कभी कोई परेशानी ना आए। जो परेशान हाल है अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करें और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ करते हैं जी आज के ब्लॉग का आगाज़। आपकी ने सिस्टर ने ब्लॉग का आगाज़ किया हुआ है और मैं इनसे मिलने के लिए आई हूँ आज, तो इनके घर आई हूँ, तो मैंने बोला आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप ही आई हैं, ये हमारी खुशी में शामिल होने के लिए आई माशाल्लाह से, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे लिए इतना तकल्लुफ़ किया। काफ़ी 6 बजे से आप कल से निकले हैं, मैंने आपकी वीडियो देखी थी
तो यकीन माने इतनी ज़्यादा खुशी हुई है, इतनी ज़्यादा खुशी हुई है। और ये बहुत ही मुश्किल काम है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत लंबा टाइम लगाया है और तकरीबन इनको 4-5 माह हो गए और मुसलसल ये मेहनत कर रही हैं और धूप में बैठ रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी बारिश में बना रही हैं। तो आता कि आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग्स जो है ना ये बना के दिखा सकें और घर बैठे आप लोगों को एंटरटेन करें। और ये ना इतनी गर्मी होती थी यहाँ पर, ये बैठ के जब ये खाना बनाती रही है ना यहाँ किचन में, आप लोगों ने वीडियो से सारी इनकी वॉच ली होंगी। तो ये है ना इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने और देख लें कि अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है और अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। खुशी में शामिल होने और के लिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। इनका इखलाक देखें कितनी दूर से आई हैं, स्पेशल मुबारकबाद देने के लिए। बहुत दूर है मुल्तान से, तो काफ़ी दूर है, 800 किलोमीटर दूर है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है यकीन माने। और मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अभी जो है ना ये इसने घर वाले वैसे ही कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ये कहता है कि मैंने जाके देखना है दुआ आंटी कहाँ रहती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं, कैसे घर में। मैंने मम्मा मुझे साथ लेके जाए, मैंने उनका घर देखना। मामा मेरी बोलती है कि आप यहीं पे रुक जाओ, आप अभी त्यौहार। मैंने आंटी दुआ का घर देखना है। जब मैं यहाँ पे पहले शहर था, आगे फिर आया मैं देहाती इलाका थोड़ा सा आगे, और मैंने फिर मुझे पता चला कि ये इसका वीडियो बनाती है देहाती इलाके में। और अब इनके घर आया तो मुझे अल्लाह पाक हम सबको कामयाबियां दे और हमें भी इस मंजिल तक पहुँचाए। आमीन। माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छा बच्चा है। माशाल्लाह से इनकी वीडियो पर जाएंगे ना आप देखेंगे, इसकी जो कारीगरी है ना तो इनके चैनल पर आप जाके देखेंगे। तो चैनल का नाम भी बताते, पहले खिलाफ पिला देते हैं क्योंकि मैंने इधर ही खड़ा कर दिया। मैंने पहले मिल लिए थे लेकिन मैंने कहा हम अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अपने प्यारे फिन भाइयों से कहा कि है ना जो मेरी आप ही आ रही है तो मैं इंशाल्लाह आपको मिलवाऊंगी। तो मैंने कहा रुकते हैं, फिर दोबारा से हमने मिले हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब पहले पानी वगैरह पिलाते, पानी नहीं पिलाया, बस ये कि पानी पीते हैं। तो अब जो है मैं पंखा चला देती हूँ थोड़ा सा क्योंकि हवा लगवा लें, यहाँ से बंद है जी। और जब हमारी वीडियो बनती है तो ये पंखा तो बंद होगा, लेकिन थोड़ा सा ये कि हवा वगैरह लगवा लेते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, इंशाल्लाह साफ साफ साथ बने रहे। मेहमान आ गए तो अब खाना वगैरह जो है मैंने देती हूँ, तो इसके ज़्यादा खोल रही हूँ। तो आप ही जो है फ्रूट भी लेकर आई हमारे लिए, इन्होंने इतना तकल्लुफ किया खुद ही आ गई थी, ये भी हमारे लिए बहुत काफ़ी था। ये देखें जी अनार भी हैं साथ में, और साथ में जो है ना ये केले भी हैं, और साथ में मिठाई लेकर आई हैं हमारी खुशी में, खुश होने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह से इनकी बहुत मोहब्बत है जो कि हमारे लिए इतना तकल्लुफ कर आई हैं और खुशी में हमारी खुश हुई हैं। और सबसे अहम बात यह है कि मेरी खुशी में माशाल्लाह से शामिल होने आई हैं। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप सबकी मोहब्बतों से, आप सबकी सपोर्ट से, आप सबकी वजह से जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से आज मुझे इतनी खुशी नसीब हो रही है। और आप ही जो कि है ना आई हैं, तो आप सब इन्हें सपोर्ट करें जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट करें। काफ़ी दूर से आई हैं तो अभी इनको जो है ना खाना खिलाते हैं, और पहले मैं दस्तरखान पे ले लेती हूँ। कुछ भी नहीं हुआ, नहीं मैंने सिलेंडर पर बनाया ना, तो बस ये है कि आटा आज काला हो गया, तो काला आया था आज इच्छा हमने कराया सरकारी आटा, तो वो जो है ना काला हो गया, तो बस ये है कि रोटी के लिए माजर थोड़ी सी सफेद रोटी मेरे घर में प्रेशर कुकर की नहीं है ना जी, प्रेशर कुकर नहीं है जी। तो मैं अबू के साथ आके बैठ गई कुछ देर के लिए, मैंने कहा अबू के साथ जाके बैठ जाऊँ, मेहमानों को जो है खाना दे दिया, तो मैंने कहा वो इसलिए जो है ना खाना खा लें शर्म ना करें, तो इस वजह से जो है ना उन्हें खाना दे के मैं इधर अबू के साथ आके बैठ गई। तो जो फ्रूट लेकर आई थी ना आप ही, तो मैंने अबू को दे दिए, तो मैंने कहा अबू भी साथ साथ खा लें क्योंकि अभी अबू भी चले जाएंगे, तो मैंने कहा अबू के साथ भी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सबने खाना खा लिया, और जो है अबू को भी मैंने फ्रूट दे दिए थे, तो आप ही के साथ जो है ना मैं बैठी गपशप लगाई और आप ही की वीडियो भी कंटिन्यू करी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा आप ही से मिलकर, और जो है ना अचानक से फिर एक और सरप्राइज मिल गया, सब आप ही भी आ गई माशाल्लाह माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप ही जो है ना अचानक से सरप्राइज देती हैं मुझे, जब भी आती हैं बताती नहीं है, और फौरन से जो है ना मुझे ये पता चलता है कि भाई आप ही आ गई हैं, तो ये अचानक से सरप्राइज था। भाई अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है, खैर खैरियत से पहले सलाम कर लूँ, और जा रहे हैं खुश रहें आबाद रहें, हम सबकी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। तो ये भाई सरप्राइज था, अभी भी हैरान हो गई है ये कहाँ से आ गई है अचानक से, लेकिन हैरान है खुशी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लगा कि आप ही भी आएंगे, और जो है ना आप ही की वीडियो तो इंशाल्लाह बाद में बनाते रहेंगे। तो है ना ये आप ही जो है ना इनको आप सपोर्ट करें, काफ़ी ज़्यादा जो है ना दूर से सफ़र कर आई हैं माशाल्लाह से, जो है ना इतनी दूर से मेरी मोहब्बत में आई है और मेरी खुशी
खुशी में शामिल होने के लिए, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो जहलम से आप आई हैं, तो इनके इतने जो है ना बहुत ज़्यादा हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं इसका आगे। अगर मैं अपने हालात सोचूं देखूं ना तो मुझे अपने कम लगने लग जाते हैं और जो है ना आपके ज़्यादा लगने लग जाते हैं। और मुल्तान का सफ़र कर आई हैं ख़ास तौर पर कि वीडियो बन जाए, और ये है कि ना दुआ को मुबारकबाद भी दे दूँ, और जो है ना मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर आते हैं। तो प्लीज़ आप सब जो है ना आप ही को सपोर्ट करें, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करें कि आप सब जिस तरह से मुझे मोहब्बत करें तो आप ही को भी प्लीज़ जो है ना सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप ही के चैनल का नाम है बता दें रानी विलेज, और मैं रानी विलेज यहाँ पर लिख भी रही हूँ। तो आप जो है ना इसी चैनल पर जाकर इनको सपोर्ट करें और जाके ये भी कहें कि आप दुआ की तरफ से आएँ, तो प्लीज़ ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप ही से मिलकर, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप ही जी। तो आपने जो है ना इतनी मुझे मोहब्बत दी और इतनी जो है ना आप दूर से मेरे लिए आई, और बस ये है कि आप सबकी सपोर्ट की सबको ज़रूरत है, क्योंकि मेरी तहत जो है ना हर कोई आता है यूट्यूब पर चैनल बनाने का, ये कि शौक नहीं होता किसी को सामने आने का, बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती हैं, सहनी भी पड़ती हैं बहुत सारी, तो बस ये मजबूरी सब कुछ करवाती है। तो बस मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, और इजाज़त देने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप ही के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो इंशाल्लाह फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखिएगा, अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जो सब आप ही की जो वीडियो आएगी ना वो अभी थोड़ी देर के बाद बना रही हूँ, और क्लिप जो है ना वो इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मैं लगा दूँगी।